सो हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी सेकंड वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे एक काफी रेयर डॉग ब्रीड के बारे में। बट ये जो डॉग ब्रीड है, ये पिटबुल की फैमिली से बिलोंग करती है, और हो सकता है कि आप में से काफी लोगों ने इस ब्रीड का नाम ना भी सुना हो, जो है अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर। तो गाइस, पहले तो आप लोगों को बता दूं कि पिटबुल की फैमिली से ये एक लौती ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि केसीआई रजिस्टर्ड है। वैसे तो ये जो पपीज हैं, ये भी केसीआई रजिस्टर्ड हैं, बट आप लोग इन्हें दोनों ही तरह से परचेज कर सकते हो, पेपर्स के साथ भी और विदाउट पेपर्स भी। वैसे इस मैटर के बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यार पपीज जो हैं, ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटी में है, और ये चीज आप लोगों को दिख ही रही होगी। वैसे दोस्तों, थोड़ा मैं आप लोगों को इस ब्रीड के बारे में बता देता हूं। तो जो अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर होते हैं, ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, ये काफी अच्छी कंपेनियन डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग अपनी फैमिलीज में रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर एक स्टैंडर्ड साइज की डॉग ब्रीड है, जिनमें मेल और फीमेल की हाइट 16 से लेकर 18 इंचेस तक हो जाती है, और ये डॉग्स इतने भारी भरकम नहीं होते। ये एक कॉम्पैक्ट साइज की डॉग ब्रीड है, जिनमें मेल का वेट 23 से लेकर 32 किलोग्राम तक हो सकता है, और वही फीमेल का 18 से लेकर 30 किलोग्राम तक। वैसे अगर आप लोग पिटबुल को लेने से डरते हैं और आप लोगों को उसी टाइप की कोई डॉग ब्रीड चाहिए, तो भाई ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर होते हैं, ये काफी एक्टिव एंड काफी लॉयल होते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। एंड इवन आप लोगों के घर में चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, तो भी आप लोग इस ब्रीड को रख सकते हो। वैसे गाइस, अगर इनके पेपर्स के बारे में बात करें, तो वैसे तो उन्होंने अभी तक इनके पेपर्स अप्लाई नहीं किए हैं, बट स्पेशली उन्होंने बोला है कि जो लोग केसीआई के साथ इन्हें परचेज करना चाहते हैं, तो हम उनके पेपर्स अप्लाई करा देंगे, बट उस पे आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करें, तो ये देखे गाइस, ये इन पपीज के फादर हैं, जो कि अल्टीमेट क्वालिटी में हैं। तो ये मिस्टर कैशियर हैं, जो कि 7 कंट्री चैंपियन मिस्को के ग्रैंडसन हैं। एंड गाइस, ये है पपीज की मदर कोको, जो कि सुपर क्वालिटी में है, और ये इंडियन चैंपियन फिली की डॉटर है। सो गाइस, ब्लड लाइन दोनों साइड से काफी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोग और कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप लोग उन्हें एनी टाइम कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर पपीज की एज के बारे में बात करें, तो भाई ये अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर 35 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है शामली, उत्तर प्रदेश से। बाकी गाइस, डिलीवरी के बारे में ओनर ने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो एक बार उनसे आप लोग इस बारे में जरूर डिस्कस करें। वैसे दोस्तों, एक लीटर में भी आप लोगों को अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिल जाती हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ओनर के पास जाकर इन्हें परचेज करें, तो ज्यादा बेटर है। तो भाई फाइनली, अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई पपीज जो है वो एक्सीलेंट क्वालिटी में है, एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है, वो मेल की है 22,000 पीस, 22,000 रुपए, एंड फीमेल की है 18,000 पीस, यानी 18,000 रुपए। बट डोंट वरी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।